जैकमा बाद में आल पार्टीज की जानिब से सिविल अस्पताल की डायलिसिस मशीन को दूसरे शहर मुंतकिल करने और सिविल अस्पताल में सहूलियत ना होने के खिलाफ डीसी गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मजीद जानते हैं मोहम्मद अकरम खोसो की इस रिपोर्ट में। जैकमा बाद में आल पार्टी कमेटी की जानिब से सिविल अस्पताल के डायलिसिस मशीनरी को दूसरे शहरों में मुंतकिल करने और सिविल अस्पताल में सहूलत न होने के खिलाफ डीसीओ ऑफिस गेट के सामने एहतजाज किया गया। एहतजाज में ईपीसी के चेयरमैन मोहम्मद शुबान अबड़ो, शाहिद जवादी, मुख्तियार अली बलोच, लाइक सुमरो और दीगर की क्यादत में किया गया। एहतजाज में कारकुनान और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। एहतजाज में मुजाहरीन ने मुतालबा करते हुए कहा कि सिविल अस्पताल में डायलिसिस मशीनरी को भेज दिया और दूसरे शहरों में मुंतकिल किया गया। 30 करोड़ रुपए के बजट के होने के बावजूद सिविल अस्पताल में ना ही अद्वियात की सहूलत है और ना डॉक्टरों की सहूलत है। सिविल अस्पताल को भैंसों का ताबेला बना गया है, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और मजीद कहा कि डायलिसिस मशीनरी को फौरन नोटिस लेकर जैकमाबाद शहर वापस करवाया जाए और सिविल अस्पताल में हर किस्म की सहूलत दी जाए, वरना हम एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद अकरम कोसो, राज न्यूज, जैकमाबाद।